एक सेना अधिकारी के मंगेतर के साथ इस तरह का सलूक बेहद ही निंदनीय है। देखें वीडियो। अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ, ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इन टू जेल। 15th को रात को अराउंड 1 o'clock 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद मैंने उस जो अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बच बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कॉन्स्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए, उन्होंने गुरुवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक दो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते अमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहेवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।